हेलो फैमिली गुड मॉर्निंग जय माता दी क्या हाल चाल है और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर क्योंकि आज है नया साल ये वीडियो तो थर्टी फर्स्ट की है लेकिन आपको मिलेगी न्यू ईयर के दिन तो आप सभी को सबसे पहले तो नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए अच्छी अच्छी खुशियाँ ले आए तो अभी अभी हम लोगों के काम शुरू हो गए हैं तो कल मैंने बनाई थी आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी जो कि बची थी तो अशू को बहुत पसंद है उसका सैंडविच तो अशू ने बोला कि मैं तो बनाऊंगा सैंडविच तो मैं कर रही थी तब तक प्रेस और उसके बाद सारे काम ख़त्म होने के बाद आ गई है पुच्छू बाबा की नहाने की बारी तो महाराज जी दो तीन दिन से नहाए नहीं थे क्योंकि तबीयत ख़राब है और बाहर बहुत ढो रही है धूप भी नहीं निकली है तो आज मैंने रूम को अच्छे से ब्लॉर चला के गर्म कर दिया था और उसके बाद फिर गरम गरम पानी टब में डाल के और इनको आज मैं रूम के अंदर ही नहला रही हूँ क्योंकि वॉशरूम में या वैसे मैं इनको बालकनी में नहलाती हूँ ज़्यादातर क्योंकि सही रहता है धूप भी होती है बालकनी में तो अच्छा लगता है लेकिन अभी दो तीन दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है और कपड़े तक नहीं सूख रहे हैं अब देखा था ना कल मैंने कैसे कपड़े सुखाने का जुगाड़ बनाया था तो अभी तक वो वहीं पर सूख रहे हैं जहाँ पर मैंने कल सुखाए थे और अभी ये नहा रहे हैं आराम से मेरे बच्चे की ना एक बहुत अच्छी खासियत है वो ना नहाती वक्त कभी भी परेशान नहीं करता है रोता नहीं है बहुत अच्छे से नहा लेता है और खुश होता है देखता रहता है और पानी में ऐसे थप थप करके खेलता रहता है लेकिन अभी उसकी तबीयत इतनी अच्छे से ठीक नहीं हुई है तो इसलिए आराम से शांति से बैठा हुआ है लेकिन वो परेशान नहीं करता है नहाती बार और उसके बाद फिर ये सो गए नहा धो के और मैंने निकाल के रखी यहाँ पे ढेर सारी साड़ियाँ क्योंकि मैं चेक कर रही थी मैंने पहले खोल के देख लिए कि इसका ब्लाउज़ कहाँ है क्योंकि मुझे ब्लाउज़ नहीं आने वाले हैं कोई भी अब और ये मेरी शादी के दुपट्टे हैं दो रेड रेड से एक मेरी मायके की साइड वाला है और एक मेरे ससुराल की साइड वाला है जो चुनरी चढ़ाते हैं वो और यहाँ पे मैंने अपनी सारी साड़ियाँ ब्लाउज़ निकाल रखी हैं कुछ कुछ जो मुझे चाहिए जैसे कि मैंने आपको दो दिन पहले बताया था कि मेरे घर में शादी है और मुझे ससुराल जाना है अब शादी के लिए तो अभी शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं धीरे धीरे अभी आपको सब ऐसे शादी वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में तो ये ना स्टिच साड़ी और मेरे से साड़ियाँ फोल्ड नहीं होती है तो खुशबू वहाँ पे बैठी थी वो कह रही अरे मैं करती हूँ रुको वो बहुत अच्छे से साड़ी को हैंडल कर लेती है और ये जो मेरी साड़ी है ये पिंक कलर की है लेकिन जो इसका ब्लाउज है ना वो ग्रीन कलर का है और इसमें सिर्फ दो लटकन है ग्रीन कलर से जिससे वो मैच किया है और ये ग्रीन कलर की साड़ी है जिसके साथ येल्लो कलर का ब्लाउज है इसमें सिर्फ पीला सा बॉर्डर है बस और ये जो साड़ी है इसका नीले कलर का ब्लाउज़ है लेकिन मैंने इसके साथ गोल्डन मैच किया है क्योंकि मुझे नीला नहीं चाहिए था उस टाइम पे तो मैंने सोचा था ये कलेक्शन मैं आपको एक एक करके दिखाती लेकिन जब तक पुचु महाराज जी ने पॉटी कर दी थी बगल में तो फिर मैंने ऐसे उनको बस ऐसे फटाफट फोल्ड करके बंद कर दिया है तो अभी मैं ना इसलिए इनको निकाला है क्योंकि मुझे इनको एक बार धोना है इनको ना एक साल हो गया ऐसे रखे हुए क्योंकि इनमें से मैंने कोई भी साड़ी यूज़ नहीं करी है एक मैंने जब कीर्तन करवाया था नॉमिक के दिन उस दिन पहनी थी और एक करवा चौथ के दिन पहनी थी बाकी जितनी भी ये साड़ियाँ हैं एक एक साल से ये पहनी नहीं गई है और पहनी भी एक आधी बार पहनी है और बहुत सारी और साड़ियाँ रखी हुई हैं जिनको मैं नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि वो बहुत हैवी है और मुझे घर पे ही पहननी है क्योंकि मेरे ससुराल में ना सब लोग मुझे ऐसे बोलते थे साड़ी नहीं पहनती साड़ी नहीं पहनती साड़ी नहीं पहनती तो मैंने सोचा इस बार मैं उनकी ये साड़ी ना पहनने का किस्सा ख़त्म करके आऊँ तो मैं सारी साड़ियाँ भी लेके जाऊंगी जाऊँगी जो कि मैं पहन सकूँ मतलब इतना ज़्यादा हैवी ना हो और उसके बाद बुच्चू महाराज जी को अच्छे से धुला धुलो के कपड़े पहना के मैंने बिठा दिया है तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि चलो मौसम अच्छा हो रहा है ठंडी भी हो रही है तो मैंने दीदी को बोला है कि आप लोग बैठो आराम से मूवी देखो वो लोग मूवी देख रहे थे और मैं यहाँ पे बनाने आई हूँ इपी जो कि मेरा बहुत फेवरेट है मुझे नूडल्स ऐसे पसंद नहीं है मैगी वाला मुझे इपी अच्छा लगता है तो अभी मैं उसको बनाऊंगी और मटर यहाँ पे थे नहीं अगर मटर होते तो मैं मटर गाजर और गाजर नहीं क्या है ये बंद गोभी वो डाल के बनाती लेकिन मटर थे नहीं और दुकान ज़्यादा दूर नहीं है घर के बगल में ही है लेकिन हम लोग कोई गए नहीं लेने के लिए तो हमने बस ऐसे ही गोभी डाल के इपी बना रहे थे और तभी बीच में मेरे पति देव को पता नहीं कौन सा प्यार आया था और उन्होंने नूडल्स अरे यार नूडल्स नहीं मोमोज भेज दिए थे तो पता नहीं क्या सोचा था मुझे लग रहा है उन्होंने यही सोचा होगा कि आज थर्टी फर्स्ट है बेचारे ठंड भी है बारिश भी है तबीयत ख़राब है बारिश हो नहीं रही लेकिन आने वाली थी ऐसा लग रहा था तो कुछ कुछ खाने के लिए भेज देता हूँ तो अचानक से हम लोगों को अंकल देने के लिए आए हमने सोचा ये पता नहीं कहाँ से आए हैं तो उन्होंने बोला कि आपके पति ने भेजे हैं तो हमने बोला चलो अच्छी बात है साथ साथ में हम सब कुछ ये खा लेंगे मैगी के साथ हमारी नूडल्स ओह नूडल्स नहीं मोमोज मैगी के साथ हमारी मोमोज पार्टी भी हो जाएगी लेकिन वो ठंडे होने वाले थे तो पहले हमने सोचा कि उनको खा लेते हैं लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि चलो कुछ ना कुछ और इनके साथ जुगाड़ करेंगे हम जिससे ठंडे नहीं होंगे और जब तक मेरी इ बनेगी तब तक मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया था बर्तन बर्तन का क्योंकि सुबह बने थे सैंडविच जो कि आशू ही बनाए थे वही किचन में थे मैंने तो सिर्फ चाय बनाई थी सुबह सुबह क्योंकि अभी सबके गले ख़राब है तो अभी उन लोगों को थोड़ा सा चाय वाला वो चाहिए होता है क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है काढ़ा वाढ़ा पी लो ये सब कर लो लेकिन सब लोगों को पसंद नहीं होता है ना तो मेरे घर में जब चाय बनती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं तो सोचा कि सबकी तबीयत ख़राब है तो क्यों किसी को परेशान करना तो चाय पिला के सबको खुश कर देते हैं तो सुबह सुबह चाय बनी थी और उसके बाद अशू ने सैंडविच बनाए थे तो मेरा किचन में आने का कुछ काम था नहीं तो इसलिए बर्तन सारे ऐसे ही पड़े थे तो जब तक मेरी मैगी बन रही है तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन और पुच्छू भी अभी खेल रहे हैं बाहर क्योंकि दीदी -दी सब लोग बैठे हैं वो सब देख रहे हैं मूवी देख रहे हैं तो फटाफट बर्तन धो लेते हैं और अभी मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं तो अब मैं बर्तन गंदे नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी क्योंकि मुझे अब पानी में हाथ नहीं डालना है मैं बहुत थक गई हूँ ठंडे ठंडे पानी से ये सब बर्तन वर्तन धो के अभी मेरे हस्बैंड बहुत ज़िद कर रहे थे मुझे कि तुम कुछ ना कुछ कोई ना कोई हेल्प के लिए लगा लो लेकिन जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से वो बोल बोल के थक गए हैं लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं खुद से काम करूँगी तो शायद मैं थोड़ी पतली हो जाऊँगी मैं बहुत पतली होगी पहले से तो बस अब मेरा थोड़ा सा पेट रह गया है बाकी मैं हो गई हूँ तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब किसी को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें घर ही जाना है कुछ दिन में तो अभी जितने भी एक हफ्ता दस दिन का टाइम है हमारे पास यहाँ तब तक हम खुद मैनेज कर लेंगे उसके बाद आने के बाद देखेंगे अभी मुझे कोई ना कोई लगाना पड़ेगा चाहे मैं झाड़ू पोछा के लिए लगाऊँ चाहे मैं बर्तन के लिए लगाऊँ क्योंकि अभी मेरा बच्चा काफ़ी बड़ा हो रहा है तो अभी उसको टाइम देने की ज़रूरत है क्योंकि अभी ना उसके पीछे भागना पड़ रहा है वो कुछ भी चीज़ उठा के खा जाता है पहले तो छोटे बच्चे हैं चलो लेटे हैं खेल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी उसने उठना बैठना चलना धीरे धीरे ये सब शुरू कर दिया है तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी उठा के खा लेता है कहीं भी हाथ डाल देता है कोई भी चीज़ खोल देता है ऐसे चलते चलते कुछ भी उसको मिलता है ऐसे नीचे से उठाता रहता है कूड़ा कावाड़ा और उठा के सीधा खा लेगा तो हाँ अभी चलो कोई बात नहीं देखते हैं जो भी होगा टाइम के साथ मैं आपको बताऊंगी तो अभी यहाँ पर जो मैंने मोमोज़ के साथ जुगाड़ किया है वो ये किया है कि मैं इनको पैन फ्राइड कर रही हूँ ये स्टीम थे तो फिर मैंने थोड़ा सा घी डाल के जब हमारे ई पी नूडल्स रेडी हो गए थे तो मैंने उनमें थोड़ा सा मोमोज़ में घी डाल के उनको मैं गरम कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा गरम भी हो जाएंगे और थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे तो अभी हम लोग सब लोग इन्जॉय करेंगे हमारे नूडल्स मैगी और साथ में हम लोग खाने वाले मोमोज और घर के अंदर घर में बनी हुई चीज़ें जब ऐसे मौसम में मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद मैंने ये सब फटाफट रख दिया बाहर लेकिन फिर मुझे याद आया अरे नोनू और मधु के लिए भी थोड़ा दे देती हूँ वो लोग भी खा लेंगे उन्होंने थोड़ी देर पहले मंगवाया था लेकिन वो मैंने खाया नहीं तब मैंने सोचा मैं बाहर से नहीं खाऊंगी कुछ वो लोग स्प्रिंग रोल और नूडल्स लेके आए थे तो मैंने मना किया कि मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि तबीयत ख़राब है अगर बाहर का कुछ ऑयल वॉल खाऊँगी तो और ख़राब होगी लेकिन फिर मेरे पति देव नहीं भेज दी तो सोचा चलो अब तो खा ही लेती हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की रोटी और साथ में थोड़ा सा गर्म पानी लूँगी और शाम को मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि आज थर्टी थर्टी फर्स्ट की नाइट है और पुचू और मैं ही घर में है पुचू के मामू ने भी लेट आना है पुचू के पापा ने भी लेट आना है क्योंकि थर्टी फर्स्ट की नाइट को वो बहुत बिजी होंगे तो मैंने सिर्फ रोटी बनाई है जो कि आटा मेरे पास रखा हुआ था और सब्ज़ी मुझे दीदी ने नीचे से भिजवा दी है उन्होंने दाल और आलू की सब्जी बनाई थी तो सब्जी मैंने उनसे ले ली है मैंने उनको खुद ही बोला था दीदी मुझे सब्जी दे दो यार मुझे बनाने का मन नहीं है क्योंकि ये लोगों ने अभी तक इतना लेट आना है वो कम से कम आज रात को आने वाले हैं तीन या चार बजे तक तो आज मेरा जागरण ही होने वाला है मेरा न्यू ईयर ऐसे ही रात भर कटेगा तो वो लोग उस टाइम आएंगे और ऐसा भी नहीं है कि मैं तब तक सो जाऊं क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आती है और मेरे बच्चे का टाइम टेबल भी वैसे ही हो गया वो भी तीन या चार बजे ही सोता है तो चलिए कोई बात नहीं फाइनली हमारी रोटी वोटी बन गई है अभी हम लोग खाते हैं दीदी -दी की दी हुई सब्जी और दाल और आप लोग भी अपना न्यू ईयर अच्छे से मनाना और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए और सब लोगों को बहुत अच्छा अच्छा न्यूज़ मिले अच्छा अच्छा हो पूरा साल सबकी लाइफ में और बस यही है और तो क्या ही बोल सकते हैं सब लोग अपना ध्यान रखो अपने बच्चों का ध्यान रखो अच्छी अच्छी चीज़ें करो अच्छे अच्छे कर्म करो इंसानियत रखो कर्मा रखो अपने साथ हमेशा और कुछ रखो ना रखो अपनी पॉकेट में दस रुपये रखो ना रखो लेकिन अपनी जेब में और अपने दिल में इंसानियत और करमा जरूर रखो तो चलिए इसी के साथ जय माता दी